तो लीजिए भाई, ये ठेले जैसा जूस आपके लिए रेडी है, एकदम रिफ्रेश करने का जूस। आपको मार्केट जाने की एकदम जरूरत नहीं है, तो घर में बनाइए बहुत ही आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी मेरी YouTube फैमिली। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही रिफ्रेशिंग करने का जूस। अभी आप सोचेंगे कि घर में करने का जूस कैसे, तो मैं उन लोगों के लिए लाई हूँ जो भाई मार्केट नहीं जा सकते, जूस नहीं पी सकते, तो आप घर में भी आसानी से बना सकते हैं। कैसे, तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने गुड़ लिया है, ये बहुत ही एकदम साफ सुथरा है और ये घर का बना हुआ है। इसे मैंने खास तौर पे मंगाया हुआ था, तो इसको डाल देंगे जार में और इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे आइस क्यूब, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा ऐड करेंगे काला नमक। अब इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस, पूरा एक नींबू इसमें आपको निचोड़ना है। अब दूसरा आधा वाला भी ले लेंगे, उसको भी अच्छे से निचोड़ लेंगे इसमें। अब यहाँ पे हमने नींबू को एकदम निचोड़ लिया है। अब इसमें ऐड कर लेंगे पानी। अब क्या करेंगे, हम इसका ढक्कन लगा के अच्छे से ग्राइंड कर देंगे। शुरू में थोड़ा हल्के हल्के करिएगा, उसके बाद इसके अंदर गुड़ है तो थोड़ा पानी उछलेगा, क्योंकि शुरू में आपको थोड़ा चलाना है। तब हम यहाँ पे ढक्कन खोल के देखेंगे, तो ये देखिए माशाल्लाह, कितना अच्छा इसके ऊपर झाग आया है। चलिए अब सर्व करते हैं इसे। तो ये हमारा एकदम रिफ्रेश जूस ठेले जैसा एकदम रेडी है। माशाल्लाह, घर में बने जूस की बात ही कुछ अलग होती है। ये देखिए कितना अच्छा तैयार हुआ है, आप इसे घर में कितनी आसानी से बना सकते हैं। और इसे गार्निशिंग करेंगे पुदीने से। ये रेसिपी आपको कैसी लगी, तो मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करिएगा। भाई आप लाइक और शेयर नहीं करते हैं, इसमें बहुत कंजूसी करते हैं।